आज के इस वीडियो में मैं आपको मेहंदी प्रैक्टिस के लिए कौन कैसे बनाते हैं वो शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। अगर आपको भी मेहंदी प्रैक्टिस कौन बनाना है या आप भी बनाते हैं फिर भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको कोई भी अगर डाउट है आप किस तरह से बनाते हैं कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आई होप कि इस वीडियो से आप जो है सॉल्व हो जाएगी और जो कौन है वो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बनेगा। आज हम लोग आए हैं एक पार्क के अंदर, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी अलग है और शायद मेरी आवाज़ में भी नॉइस आएगी आपको, लेकिन जो वीडियो है प्रैक्टिस का वो मैंने बना के रखा है और जो ये इंट्रो वीडियो है वो मैं बनाना बाकी रह गया है, तो ये सोचा कि यहीं बना लूँ और ताकि जो वीडियो है वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। अगला जो वीडियो आ रहा है वो डार्क स्टेन के लिए जो हम मेहंदी पेस्ट बनाते हैं उस पर आने वाला है, तो आपको भी अगर वो वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करूँ आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। तो चलिए देख लेते हैं मेहंदी पेस्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है क्योंकि हम लोग मेहंदी प्रैक्टिस के लिए कौन बना रहे हैं तो मैं छोटे लेवल में आपको बताऊंगी क्योंकि हमें आप जब फ्रेश कौन बनाते हो तो सही रहता है, बाकी आप ज़्यादा बना के फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने ली है यहाँ पे शुगर, पानी और हमें चाहिए होगा बेस्ट क्वालिटी का मेहंदी पाउडर। जो मेहंदी पाउडर है वो हमारे ब्रांड का, हमारा अपना ब्रांड है उम्मीस मेहंदी हेना पाउडर, प्रोफेशनल है, राजस्थानी सोजट का ही पाउडर है और बॉडी आर्ट क्वालिटी का है और ट्रिपल फिल्टर्ड है। आप ध्यान रखिए जब भी आप कोई भी पाउडर ले, आप ये वाला ले या कोई और पाउडर ले, सिर्फ ये आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो पाउडर है वो ट्रिपल फिल्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे दो स्पून ली है, एक छोटी है एक बड़ी है। छोटी से हम शुगर मेजर करेंगे और बड़ी से हम लोग पाउडर मेजर करेंगे। तो जहाँ से भी आप पाउडर को बाय कर रहे हैं आप मेक श्योर कीजिए कि वो पाउडर जो है वो ट्रिपल फिल्टर्ड हो, तीन बार छाना हुआ पाउडर। यहाँ पे मैं एक चम्मच पाउडर ले रही हूँ, इससे दो छोटे कोन आराम से बन जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैंने एक चम्मच और थोड़ा ज़्यादा उतना पाउडर लिया है और आप देख सकते हैं जो पाउडर है वो काफ़ी ज़्यादा फाइन है। इस तरह का फाइन पाउडर अगर होगा तो आपकी जो कोन है उसमें बिल्कुल भी अटकेगा नहीं और आपकी कोन से आप फाइन से फाइन लाइन भी बना सकते हैं। उसके साथ में एक छोटी चम्मच शुगर ऐड करूँ, देखिए मैं एक छोटी चम्मच शुगर ऐड कर रही हूँ बड़ी एक बड़ी चम्मच पाउडर में एक छोटी चम्मच शुगर। हम लोग इतनी ज़्यादा शुगर यहाँ पे इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए कौन है और शुगर से जो है इसकी पेस्ट की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही अच्छी होती है और आप इससे काफ़ी थिन लाइन बना पाते हो। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, पानी जो है आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए। आप एक साथ ज़्यादा पानी मत डाल दीजिए क्योंकि एक साथ ज़्यादा पानी डालने से आपकी जो मेहंदी है उसकी कंसिस्टेंसी ख़राब हो सकती है और साथ ही में जो है अगर ज़्यादा पानी एक साथ डाल दिया जाए तो उसके लम्स जो है वो मैश नहीं होते, फिर उसमें लम्स पड़ जाते हैं। आप इस तरह से सारे पाउडर को अच्छे से मिलाइए पानी के अंदर और पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कीजिए जब तक ज़रूरत ना हो पानी ना डालें। अगर आपके पास सिलिकॉन स्पैचुला है तो आप जो है वो स्पैचुला से मिक्स कीजिए,
मैं यहाँ चम्मच से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई लोग हैं जो कहते हैं कि मैम मेरे पास ये नहीं है, मैम मेरे पास ये नहीं है, तो इसलिए मैं अभी चम्मच से ही बता रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास सिलिकॉन का स्पैचुला है तो इससे जो है वो काफ़ी अच्छे से मिक्स होगा पेस्ट। देखिए इस तरह का थिक पेस्ट बनाना है आपको। ये पेस्ट अभी काफ़ी थिक है और ये कोन के लिए इतना थिक पेस्ट नहीं होता है, थोड़ा सा गीला हम इसको करेंगे ताकि कोन से जो है ठीक से मेहंदी बाहर आए। लेकिन अभी जब मिलाते हैं हम लोग तो ऐसी ही पेस्ट हम लोग रखते हैं क्योंकि इसमें ऑयल आता है और उसके बाद जो अभी शुगर है वो भी मेल्ट होगी, इसलिए जो है हम लोग इसी तरीके का गाढ़ा पेस्ट अभी रखेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हुआ तो हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, ठीक है। अभी जो है इसके अंदर में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिला रही हूँ। वैसे तो जब हम लोग डार्क स्टेन बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग एसेंशियल ऑयल मिलाते हैं, लेकिन अभी मैं कोकोनट ऑयल इसमें मिला रही हूँ क्योंकि ये जो है वो प्रैक्टिस के लिए हम बना रहे हैं। हम बिना ऑयल का भी बना सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, आप कोकोनट के अलावा कोई और ऑयल भी इसके साथ मिक्स कर सकते हो। लेकिन ऑयल मिलाने का एक फ़ायदा क्या है कि जब आप ऑयल मिलाते हो तो आपकी जो पेस्ट है वो ज़्यादा स्मूथ होती है, और जब आप पेपर पे ड्रॉ करते हो तो पेपर जो है वो पानी ज़्यादा जब करता है तो आपका जो स्टेन होता है या मेहंदी के आसपास भी स्टेन लग जाता है, जो डिज़ाइन के आसपास भी जब आप पेपर पे प्रैक्टिस करते हो। अगर ऑयल होता है साथ में तो वो ऐसा नहीं होता। आपके पास अगर एसेंशियल ऑयल्स हैं आप डालना चाहते हैं तो एसेंशियल ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं पेस्ट जो है अच्छे से मिक्स हो गया है, लेकिन इसके अंदर अभी भी लम्स है और जो शुगर हमने ऐड की थी वो भी आपको दिख रही है, अंदर फील हो रही है, इसलिए हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब भी आप प्रैक्टिस कोन बनाते हैं तो इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। पेस्ट को हमने अच्छे से मिक्स कर रखा है, अब इसको हम लोग एक कवर करके छोड़ेंगे। इस तरह से बैग के साथ इसको कवर कर दीजिए। आपके पास एल्युमिनियम फॉइल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वेपर पेपर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सिंपल मेथड बता रही हूँ ताकि आपके इस तरह की पॉलिथीन की बैग तो होती है सबके पास, तो इस तरह से आप इसको कवर कर लीजिए और उसके ऊपर आप इस तरह से डिश रख के इसको ढक दीजिए और इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप इस पाउडर को परचेज़ करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो ये पाउडर परचेज़ करने के लिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब या फेसबुक व्यूअर्स हो तो आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी इस पर मिलेगा। और अगर आपको पूरी किट बाय करनी है, अगर आप बिगिनर हो, आपको मेहंदी कोन बनाना नहीं आता है, आप पूरी किट बाय करना चाहते हैं तो इसके साथ ऑयल, पेपर और रोल किए हुए कोन भी आएंगे, और आपको पेपर चाहिए तो वो भी आएंगे। तो इस तरह से एक किट भी हमने रेडी करी है जो कि बिगिनर्स के काफ़ी काम आती है और जो बिगिनर्स आर्टिस्ट हैं हम उनको सेल आउट करते हैं। तो आप में से भी किसी को चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी 30 मिनट जितना, आधे घंटे जितना टाइम हो गया है, तो अभी हम इसको देखेंगे पेस्ट को कि ये कैसा है। मैं इसको ओपन करती हूँ, देख सकते हैं ये जो हमारी पेस्ट है वो तैयार हो चुकी है। अब इसमें इसको मिक्स करेंगे हम लोग अच्छे से। जब भी आप इसको बाद में जब मिक्स करें तो काफ़ी अच्छे से इसको फेटे इस तरह से, ताकि जो पेस्ट है वो काफ़ी स्मूथ बने। मुझे लगता है कि पेस्ट में जो है थोड़ा सा पानी अभी जाना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें जो है मिला लेती हूँ।
इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप पहले पानी बिल्कुल मत मिला लीजिए ज़्यादा, क्योंकि बाद में जो है हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक बार गीली हो जाएगी तो लम्स भी पड़ जाएंगे और जो हम लोग बाद में अगर पाउडर ऐड करेंगे तो वो ठीक से मिक्स भी नहीं होता है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप जो है वो ब्लेंडर से भी मिक्स कर सकते हैं, जो मेहंदी मिक्स करने के लिए आता है। देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। मेहंदी पेस्ट को आप स्ट्रेन भी कर सकते हो। इसको स्ट्रेन कैसे करना है ये हम लोग जब हम अपने डार्क स्टेन वाली मेहंदी का पेस्ट देखेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि उसको स्ट्रेन कैसे करना है और डार्क स्टेन कैसे आता है, वो सब उसके इस वीडियो के बाद आएगा वो वीडियो जिसमें हम लोग डार्क स्टेन पेस्ट बनाना सीखेंगे। तो ये जो पेस्ट है हमारी प्रैक्टिस के लिए एक स्मूथ वाली पेस्ट जो है हमारी वो रेडी हो चुकी है। अभी हम इसको कोन में फिल करेंगे, लेकिन जब हम इसको डायरेक्टली कोन में फिल नहीं कर सकते क्योंकि इसको डायरेक्टली फिल करेंगे तो कोन जो है हमारे गंदे हो जाएंगे, इसलिए आप इसको किसी पॉलिथीन बैग में भी भर के फिल कर सकते हो या फिर इस तरह के का ये कोन बनाने वाला ही कागज है उससे हम लोग जो है बड़ा कोन बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से जो है हम लोग बड़ा कोन बनाएंगे। आप जो कैरेट बैग आती है जो जिसको हम पाइपिंग बैग कहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको जो है अगले वीडियो में दिखाऊंगी जब हम लोग दूसरा वाला पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, ये इसकी साइड है तो हम लोग यहाँ से भी इसको जो है वो टेप से सिक्योर कर लेंगे ताकि जब हम इसमें पेस्ट फिल करें ना तो बीच में ये खुल ना जाए, अगर ऐसे खुल जाएगा तो काफ़ी दिक्कत होगी हमारे कोन को फिल करने में। तो अगर आप इस तरह का कुछ बना रहे हैं तो आप ध्यान रखें। मैं अक्सर पाइपिंग बैग ही यूज़ करती हूँ, जब भी मैं कोन बनाती हूँ मैं पाइपिंग बैग ही यूज़ करती हूँ। अगर आप हमसे इनाकेट बाय करते हैं तो इनाकेट के साथ पाइपिंग बैग भी आती है और इस तरह का प्लास्टिक भी आता है। तो इस तरह से मैंने बड़ा कोन बना लिया है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, हमारे पास थोड़ी है लेकिन बड़ा बनाना ज़रूरी है वरना जो है मेस हो जाएगा और पेस्ट अंदर ठीक से जाएगी नहीं। अब जो है हम लोग पेस्ट को फिल करने के लिए ग्लास लेंगे। ग्लास मैंने इसलिए लिया है कि ये जो कोन है उसको हम लोग ऐसे खड़ा रख सके। कोन को इस तरह से रखें और ये जो पेस्ट है वो हम उसके अंदर फिल करेंगे। अब इस तरह से यहाँ से उसके अंदर की पेस्ट जो है वो निकाल सकते हैं चम्मच से, इस तरह से। देखिए आपके पास इससे बड़ा कोई लंबा वाला बर्तन है तो वो आप ले सकते हैं, आप इस तरह से ग्लास की जगह बड़ा वाला ग्लास भी ले सकते हैं और कोई और चीज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने जो है वो ये सारी पेस्ट जो है वो अंदर डाल दी है। ये सारी पेस्ट जो है वो अंदर जा चुकी है, अब हम इसको जो है फोल्ड करेंगे। अब इसको हम लोग यहाँ से निकालेंगे, अब इसका कोई काम नहीं, इसका काम आपको पड़ सकता है अगर आप जो है मेहंदी के कोन जब आप फिल करोगे। देख सकते हैं आप ये नीचे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ से जो है वो टिप क्लोज है। इसको ऐसे करने के बाद यहाँ पे मैं टेप लगा दूँगी,
आप क्लिप भी लगा सकते हो। ये मैं आपको इस तरह से सिंपल इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आपके पास जो है वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो और उसी से आप कर लें। अभी मैं इस ग्लास को यहाँ रख देती हूँ, उसके अंदर जो है वो ये दो कोन मैंने रख दिए हैं। मैंने एक सीजर ले लिया, आप इस तरह से भी फिल कर सकते हो, आप नीचे रख के भी फिल कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कोन को हम बड़ा काटेंगे, देख सकते हो आप, इतनी नोक जो है वो मैंने बड़ी काटी है इसकी। आई थिंक यस इट इज़ विजिबल। इस तरह से इतनी बड़ी नोक आप काटो इसकी। और अब जो है वो हम फिल करेंगे इसको, जो कोन है इसके अंदर हम इसको इस तरह से डालेंगे और यहाँ से प्रेस करेंगे तो हमारी जो मेहंदी है वो बाहर आना अंदर स्टार्ट हो जाए। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ से मेहंदी भर रही है और इस तरह से मैंने एक कोन जो है वो भर दिया है। मैंने जो मेहंदी पेस्ट बनाई है, मैंने कहा था कि उससे दो छोटे कोन बनेंगे, इतने काफ़ी हैं जब आप प्रैक्टिस के लिए बनाते हो। अगर आप ज़्यादा बना रहे हो आप इसको ना यहाँ से कस के पकड़ लो, अगर खींचोगे तो जो सारी मेहंदी है वो अच्छे से आ जाएगी, कोई बाकी नहीं रहेगा कुछ भी। इस तरह से सारी मेहंदी जो है हम लोग उसके अंदर जो है वो इस कोन को हम लोग खींच लेंगे इस तरह से, तो सारी मेहंदी जो है वो दोनों कोन में आ चुकी है और ये हमारा जो कोन था अब इसका कोई काम नहीं है। अब देख सकते हैं दोनों कोन जो है वो, और ये करीब 25 से 30 ग्राम का एक कोन होगा जो हमारा बना है वो, ठीक है। कुछ इस तरह से सीजर से पट्टियाँ काट के आप अपने पास रखिए और फिर उसको चिपका दीजिए इस तरह से, एंड देन एक जो है टेप इस तरह से, यहाँ से ये ऊपर से बिल्कुल सील हो चुका है यहाँ से, अब यहाँ से ये खुलेगा नहीं। अब जो है हम लोग इस टेप को ऐसे करेंगे, देखिए आप, पहले जो यहाँ पे छोटी सी टेप थी, ना हो तो भी चलेगी कोई बात नहीं है, यहाँ पे इस तरह से दो और यहाँ एक ऐसे और फिर एक ऐसे, ऐसे ट्राइंगल जैसा शेप आ गया है, ना आए तो भी चलेगा लेकिन ये लुक अच्छा लगता है जब ट्राइंगल ऊपर आता है तो। उसके बाद एक बड़ी सी टेप लेके हम इसको कोन के पीछे लगाएंगे और उसके बाद कोन ये जो कॉर्नर है उसको कस के पकड़ते हुए इस टेप को सीधा नीचे तक लगाएंगे, यहाँ तक, यहाँ तक आई है हमारी टेप जो है वो। बस अब इसके साथ आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, एक ही टेप में हमारा ये जो कोन है वो अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। आप ये कहीं से भी लीक नहीं होगा, अब आप इससे जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये ओपन टिप कोन है तो इससे कितनी फाइन जो है लाइन मेरी बन रही है, देख सकते हैं हमारा पेस्ट इतना अच्छा है ना कि फाइन लाइन आराम से आपको बनने में आसानी होगी। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फाइन है, जितनी भी अच्छी आपकी मेहंदी होगी ना उतना अच्छा आपका कोन बनेगा। देखिए इस तरह से कितनी फाइन लाइन हमारी जो है वो क्रिएट हो रही है। अब हम इसको अलग से जो है वो अलग मेथड से पैक करेंगे। इस पे भी मैं पहले इस तरह से टेप लगा देती हूँ, मैं यहाँ से इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ से फिर मेहंदी जो है वो बाहर ना आ जाए। देखिए इतना स्पेस आप रखिए, पूरा फुल मत भर दीजिए,
थोड़ा खाली रखिए, जितना खाली होगा आपको अच्छे से आसानी होगी आपको कोन को फिट करने में, उसको क्लोज करने में। देखिए इस तरह से, ठीक है। जब भी इस मेथड का हम कोन बनाते हैं ना, तो ओपन टिप अगर आपका कोन है तो थोड़ी सी जो है वो टेप लेके इसको यहाँ से ऐसे चिपका दीजिए, ताकि जो पेस्ट है वो बाहर ना आ जाए, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से ऐसे करेंगे, इस साइड से, इस साइड से यहाँ से ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक टेप और लगा लेंगे सिक्योरिटी के लिए। आपका ना जब कोन हो ना, तो आप उसको सिक्योर ज़रूर कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इस तरह से रोल करते हुए नीचे आना है, और इसको यहाँ अपने थंब की मदद से इसको ऐसे होल्ड कर लीजिए, इसे पकड़ लीजिए, छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद एक लंबी टेप लेकर इसके पीछे एक, और उसके बाद आहिस्ता से अपने थंब को बताते हुए ये जो है उसको इस तरह से, इस तरह से। वैसे तो ये फिट हो गया है, लेकिन ये दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ से सिक्योर कर इस तरह से इसको अच्छा सा शेप देंगे। देख सकते हैं मैंने दोनों यहाँ पे एक टेप लगाई है, दोनों कॉर्नर को मैं इस तरह से करूँगी। जब आप ये वाला इस तरह का प्रोसेस कर रहे हो ना, तब ध्यान रखिए आपकी जो टिप है वो क्लोज हो। टिप को क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है वो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बनता है और कोन जो है वो आपको टाइट हो जाता है। देखिए ये जो है वो बनके रेडी हो गया है, हमारे दो तरह के कोन। और ये प्रैक्टिस कोन है, इस तरह के प्लास्टिक और जो सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बताई है, वो सारी आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं।